मध्य प्रदेश के देवास जिले के रहने वाले किसान की 17 वर्षीय बेटी नेहा सिंह ठाकुर ने एशियन गेम्स की सेलिंग स्पर्धा में जीता सिल्वर मेडल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को 460 करोड़ रुपए में बनने वाले हाई कोर्ट के नए भवन का किया शिलान्यास। साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 9% और हाई कोर्ट में 14% महिलाएं हैं। 5 अक्टूबर को छतरपुर के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बीते 10 सालों में एमपी का होगा 34वां दौरा। पीएम मोदी यहां केन बेतवा लिंक का करेंगे शिलान्यास। मऊगंज के शाहपुर थाना पुलिस ने 24 सितंबर को बकरी व्यापारी से 5 लाख रुपए की लूट करने वाले 5 बदमाशों को पकड़ा है। इनके पास एक कट्टा, चाकू आदि हथियार जब्त किए हैं। सतमा के रामनगर क्षेत्र में खुदाई के वक्त रेत की अवैध खदान धंसने से एक ट्रैक्टर ड्राइवर की हो गई मौत, जिसके बाद नाराज लोगों की भीड़ ने किया चक्का जाम। रीवा के सिरमौरा अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार पहले लोगों को गरीब बनाती है, फिर लाडली बहना बनाती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रनों से हरा दिया। घुड़सवारी में भारतीय चौकड़ी ने चीन में चल रहे एशियाई खेलों की मिश्रित डिसिंग टीम स्पर्धा में मंगलवार को इतिहास रचते हुए 41 सालों बाद घुड़सवारी में जीता गोल्ड मेडल। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद लड़की की हालत गंभीर बताते हुए उसे इंदौर रेफर कर दिया गया है। उज्जैन एसपी ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठन किया है। रीवा जिले के पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने आगामी माह में संभावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों को निरीक्षण किया। साथ ही अपराधियों के धरपकड़ से लेकर तराई व बॉर्डर क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।